सोस फूड कॉर्नर हिंदी पे आज एक बहुत ही जबरदस्त रेसिपी बन रहा है, और वो भी मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेगा। इतना जल्दी बनने वाला पूरा झटपट वाला स्प्रिंग अनियन का फ्राइड राइस है। इतना टेस्टी ये लगता है ना, खास करके सर्दियों के मौसम में। तो हरा प्याज का ये फ्राइड राइस जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार, मैं हूँ शुभंकरी और आप सबका स्वागत करती हूँ मेरा चैनल सोस फूड कॉर्नर हिंदी पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को टैप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन के ऑल पे क्लिक कीजिएगा, और मेरी वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले ना एक बड़ा सा वॉक ले ली हूँ, इसको मैं मीडियम हाई फ्लेम पे गर्म करके 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाली हूँ। आप चाहें तो थोड़ा बटर भी डाल सकते हैं। 15 कली लहसुन का 1 इंच अदरक को बारीक काट ली हूँ। एक बड़ा सा इसका प्याज बारीक काट ली हूँ। स्प्रिंग अनियन पर हरा प्याज 1 कप ले ली हूँ, सफ़ेद हिस्सा भी ले ली हूँ उसका, और इसके साथ 2 चम्मच बस कटा हुआ हरा कैप्सिकम और हरा मिर्च ले ली हूँ। चाहे तो लाल मिर्च भी आप ले सकते हैं, मैं प्रीफर करती हूँ उसको। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें पहले कटा हुआ अदरक लहसुन डाल दे, बारीक कटा हुआ है, चाहे तो आप चॉप भी कर ले चॉपर में, पर बारीक कटा हुआ होना चाहिए। थोड़ा सा भुन जाए 10-20 सेकंड के लिए, इसमें हम प्याज डाल देंगे। एक बड़ा साइज का प्याज था, और स्प्रिंग अनियंस हरा प्याज का जो सफ़ेद हिस्सा होता है ना, वो मैंने दोनों मिला के डाल दिया है। सब चीज़ों को बस 1 मिनट तक भून ले, फ्लेम हाई रखे। उसके बाद यहाँ पर 2 बड़े चम्मच कटा हुआ हरा कैप्सिकम में डाल दी हूँ, इससे ना स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो हरे कैप्सिकम, प्याज, अदरक और लहसुन को ज़रा सा सॉटे और कर लें। सारा चीज़ मैं हाई फ्लेम पे कर रही हूँ, एकदम ज़्यादा नहीं करना है। प्याज, अदरक, हरा मिर्च में क्रंच रहना चाहिए। और इस स्टेज में मैं यहाँ पे ताजी लाल मिर्च डाल रही हूँ, ये फ्रेश रेड चिली है। पका हुआ जो मिर्च होता है ना वो डाली, मुझे इसका टेस्ट पसंद है बहुत, इसलिए मैंने डाला। ना हो पाए तो हरा मिर्च ही डाल दीजिए। सब सॉटे हो जाए तो इसमें 2 कप बचा हुआ चावल में डाल दी हूँ। मैं गोविंद भोग चावल यूज़ की हूँ, स्पेशली आप अरवा चावल डालिए या तो फिर बासमती चावल डालिए। तो बचे हुए चावल में डाल दी हूँ, और हरा प्याज डाल दी हूँ, नमक थोड़ा डाल दी हूँ, विनेगर डाल दी हूँ 1/2 छोटी चम्मच, ना हो तो नींबू भी डाल सकते हैं, और सोया सॉस 1/2 छोटी चम्मच ही डालें, ज़्यादा ना डालें। मिला लें, तो जब मिला लेंगे इसको ना, आप जान पाएंगे सोया सॉस का एकदम हल्का सा कलर आएगा। तो जब मिल जाए, फ्लेम ना अभी थोड़ा सा लो कर दीजिए, मीडियम और लो के बीच रखिए, और फिर इसको मैं ढक दूंगी अगले 4 से 5 मिनट तक। क्या होगा ना, वो धीमी आंच पे ज़रा सा वेपर होगा, चाहे तो थोड़ा पानी के छींटे भी आप छिड़क सकते हैं, पर मेरे चावल में हल्का मॉइस्ट था तो मैंने नहीं पानी का छींटा डाला है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस 2-3 मिनट ढक लें, और उसके बाद देखिए ये जो फ्राइड राइस बन रहा है ना, मॉइस्ट टाइप का ज़बरदस्त खुशबू आ रहा है। मिला लें, फ्लेम अभी मीडियम से ज़रा हाई कर लें, और चिली फ्लेक्स डाल दी हूँ, कुटा हुआ लाल मिर्च, सूखा लाल मिर्च 1 छोटी चम्मच, अपने हिसाब से आप डाल लें, मिला लें, नमक वगैरह टेस्ट कर लें, और चाहे तो इस स्टेज में थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और गर्मा गर्म बहुत ही जल्दी बनने वाला हरा प्याज का फ्लेवर वाला फ्राइड राइस तैयार है, और ये अभी बारी है इसको सर्व करने का। आप ये देख पा रहे होंगे, चावल जो है परफेक्टली मॉइस्ट है, हरा प्याज अपना क्रंच जो है वो बरकरार रखा, ये नहीं कि एकदम फीका फीका सा पड़ गया है। तो सब बहुत ही अच्छा अपने आप में कॉम्बिनेशन बना है। तो इसको मैं सर्व कर ली हूँ, इसके साथ ना कुछ नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अचार ले सकते हैं, दही भी खा सकते हैं, पर इसका अपना ही स्वाद रहता है। बहुत ही अच्छा एक फ्यूजन डिश है, लंच के लिए तो बहुत अच्छा है, खास करके सर्दियों वाले हरा प्याज में तो बहुत अच्छा बनता है। एक बार आप ट्राई कीजिएगा, ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। टिफ़िन वगैरह में देना हो या ऐसे ही कुछ जल्दी से खाने को मन करे ना, तो ये डिश जो है वो बहुत अच्छा है। तो अब समय है कमेंट ऑफ कर दे का। आज का जो कमेंट है वो है सतपर्णा मिश्र का, वो लिखती है, थैंक यू सो मच, आई मेड इट यस्टरडे, इट वाज रियली क्विक एंड हेजल फ्री एंड यम, थैंक यू सो मच, ब्रिंग मोर रेसिपीज लाइक दिस। थैंक यू सो मच सतपर्णा, आपने इतना अच्छे से कमेंट किया। इन्होंने मेरा जस्ट विंटर स्पेशल क्विक वेज मिक्स वेज प्रेशर कुकर में बनाना का वो रेसिपी है, मिक्स वेज इन प्रेशर कुकर, उस पर कमेंट किया है, काफ़ी जल्दी बनता है। आई एम सो ग्लैड कि आपको अच्छा लगा, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। और आज का जो ये रेसिपी है ना, हरा प्याज वाला झटपट फ्राइड राइस, एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सोस फूड कॉर्नर हिंदी को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरा पेज को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, लव लाइफ एंड हैप्पी फूडिंग।